हम लोग को भी शर्म लगता है, इसलिए कई बार गया है, लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। शौचालय है लेकिन गड्ढे भर गए हैं, गंदगी है। हमको भी दिक्कत होती है और बच्चों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसलिए यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी हैं, तो यहाँ पर शौचालय ना होने के कारण, शौचालय है लेकिन वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, और दूसरी बात है कि गड्ढे पूरे भर गए हैं जिससे हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, और हमको तो जाना होता है तो हम लोग बाहर जाते हैं। लड़कियाँ भी अधिकतर बाहर ही जाती हैं, और बाहर क्योंकि ये गाँव के बीच में ही क्षेत्र है, स्कूल विद्यालय है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा दिक्कत होती है। आसपास में कोई बाग या इस तरह का भी नहीं है कि हम लोग चले जाएँ, तो मेन दिक्कत यहाँ पर इसी बात की होती है कि हम बाहर जाएँ तो कहाँ बैठें। बाहर रास्ता है और आने जाने का है, आसपास के गांव में घर बने हुए हैं, तो हम लोग कहाँ बैठने में दिक्कत होती है ना, देखना पड़ता है कि हाँ कोई नहीं है, तब लड़कियाँ हैं उनको भी देखना पड़ता है, कोई नहीं है तब वो लोग बाहर बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय कूढ़ा मोहम्मदगढ़ में 3 साल से टूटा पड़ा शौचालय था। इस समस्या पर मैं 6 माह पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय व संसद सदस्य को संगठित व जागरूक कर आज मैं उस समस्या पर बदलाव ला पाई। आप लोग आए थे और वीडियो लेकर गए थे और प्रधान जी को दिखाए थे, प्रधान जी आए थे और मीटिंग भी की थी, इसलिए आज आपकी कृपा से शौचालय बन गया। और मीटिंग किए उसके बाद शौचालय बनवाए, जर्जर स्थिति थी, अब जाकर के हमारे घर के भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, बना, अब बच्चे जाते हैं अच्छे से शौच करते हैं उसमें, और बाकायदे आप लोगों द्वारा वीडियोग्राफी की गई और गांव के लोग भी थे उसमें, सबसे बात हुई, आप लोगों को धन्यवाद। आपके आने से जो है हमारे यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ, जिससे बच्चों को काफ़ी सुविधा मिली, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से इंडिया अनहद के लिए।